राधे कृष्ण एवरीवन, हार्दिक अभिनंदन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये सिर्फ मेरी लाइफ, मेरी टीचिंग की लाइफ नहीं है, मेरे स्टूडेंट लाइफ भी है। और आज जब ही सुबह के बज गए हैं 5 और मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, तो मैंने सूजी सोक करने के लिए रख दिया था, इसमें दही मिला दिया है फटाफट। और ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है वो कड़ी लिप्स है। और उसके बाद मैं टोमेटो फटाफट कर रही हूँ फाइन चॉप, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुरंत डायरेक्ट काट के डाल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। 6 बजे मुझे किसी भी कीमत पे स्कूल पहुँचना है और 5 तो मैंने घर पे ही बजा रखे हैं। तो ये तो अच्छा है कि मैंने सावर ले लिया है, तो मैं रेडी हूँ। बस फटाफट मैं, आप तो जा समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। जब सूजी है, टोमेटो है और ये सब चीज़ें, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा लग गया होगा कि आज तो मैं कुछ अप्पे या फिर चीला बनाने वाली हूँ, जो साउथ इंडियन डिश है और मेरा ये फेवरेट भी है। पहले मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी, क्योंकि जब भगवान जी के खाने बनते हैं ना, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते ना, तो पहले भगवान के भोग के लिए मैं इसको निकाल रही हूँ। और जैसे ही उनका हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी कट करके। बस अनियन मैं डाल के इसको फिर से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद अब हम लोग अपना बनाएंगे। भगवान जी का भोग मैंने निकाल दिया है लगा के। अच्छा, एक चीज़ मुझे जानना था आप लोग से कि ये जो मेरा अप्पे का ये तवा है, मैं कितना भी धुलती हूँ इसको, लेकिन इसका ये जो ब्लैक कलर हुआ है ना, वो छूटता नहीं है। और बहुत ज़्यादा अगर स्क्रब कर दीजिए तो होता क्या है कि इसके जो पेंट हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो छूटने लगती हैं। तो मुझे एक बार आप सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि मैं कौन से तार को यूज़ करूं या क्या, कैसे माजूं मैं, कैसे इसको साफ़ करूं कि ये मेरा क्लीन हो जाए, बिल्कुल नया जैसा दिखे। क्योंकि मैं कभी भी देखती हूँ जो लोग भी फूड का रेसिपी डालते हैं उनका बिल्कुल क्लीन दिखता है, और हम भी कोशिश करते हैं साफ़ करने के, लेकिन होता ही नहीं है। आप बताइएगा मुझे, है ना। अब ये देखिए रेडी हो गया है, बस मैं इसको पलट दूँगी, और जब तक ये होगा तब तक मैं काम कर लूँगी अपना, क्योंकि मुझे 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। मैं दो दो काम एक साथ कर रही हूँ, रेडी भी होने का काम कर रही हूँ, इधर ये भी काम कर रही हूँ। फटाफट ये मैं पूरा लेके जाऊँगी स्कूल में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं तो साथ में शेयर करके खाते हैं। ये सारे मैंने पलट दिए, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ये फूल नहीं रहा है क्या, कुछ तो है। अच्छा, मैंने वो सोडा नहीं डाला है, पता नहीं डाला। फिर चटनी बना दूँ, धनिया बिल्कुल भी नहीं है घर में, तो बस मूंगफली है मेरे पास, मिर्ची डाल दिए, इसमें मैं लहसुन नहीं डालूँगी, नमक मिर्चा और ये सब कर दिया, बस बन गया चटनी। अब मैं जैसे टिफ़िन पैक करके बस आ गई स्कूल। ये देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज इनका फर्स्ट पीरियड है तो इनको गेम के लिए ले आया था, और ये सब सफाई में लग गए हैं। छोटे बच्चे होते ही बड़े प्यारे हैं। और एक बार बस मैंने इनको बोला था कि आपको अपना स्कूल बिल्कुल क्लीन रखना है, और ये देखिए सारे पत्ते बच्चे उठा रहे हैं और खुद थ्रो करेंगे। अब मैं आ गई हूँ घर अपने, और बिना टाइम गवाए मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। आज बहुत सर दर्द हो रहा है, तो थोड़ा मैं बाहर निकल कर मैंने सोचा चाय बिस्किट खा लूँ, मे भी कुछ आराम हो जाए। तब से होता क्या है कि मेरा पार्सल आ जाता है, मैंने पार्सल बुक किया था, देखते हैं इस पार्सल में क्या है। ये मैंने एक वॉच ऑर्डर किया था, ये आ गया है। आप बताइएगा मुझे कि कैसा लग रहा है, या फिर इसकी जो मैंने ली है इसका ब्रांड कैसा है। मुझे इतना आइडिया नहीं है स्मार्ट वॉच का, देखिए मुझे निकालने भी नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से, हाँ ठीक है, आप तो निकल गया, तो आप मुझे बताना कि कैसा है। फर्स्ट टाइम मैंने ये वॉच लिया है ऑनलाइन, इसके पहले मैंने नहीं लिया था। बताओ आप कैसा लग रहा है, कलर कैसा लग रहा है और इसका मॉडल कैसा लग रहा है। ऑन करके देख लेते हैं, ऑन हो रहा है अभी नहीं, ये क्या। अच्छा हाँ, ऑन हो गया, मैं तो डर गई कि ऑन नहीं हो रहा है क्या। ये तो देखिए ऑन हो चुका है, टाइम वगैरह भी तो सेट करना पड़ेगा, है ना। आई थिंक ये फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम है, इसमें क्या क्या हम चेक कर सकते हैं। हार्ट बीट है, और देखते हैं और क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ये आजकल तो
हर छोटे छोटे बच्चे बच्चे स्मार्टफोन लगा रहे हैं। बस मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने किया है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत हेडेक है।